हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। फ्रेंड्स, अगर आप भी गेट 2019 का एग्जाम क्वालिफाई कर लिए हैं तो आपके लिए ONGC यानी ऑल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आपके लिए बढ़िया वैकेंसी लाया है जो कि ग्रेजुएट ट्रेनी के पदों पर होगी। ठीक है, आपको बतला दूं कि ये जो भर्ती होगी इंजीनियरिंग और जियो साइंसेज के जो ट्रेनिंग पद है उसके लिए वैकेंसी निकली है। इसमें टोटल पोस्ट 785 है, लेकिन इसमें एक शर्त है कि आपको गेट 2019 यानी गेट 2019 का एग्जाम आपको क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें ऑल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पे नीचे आइएगा जो स्क्रॉल हो रहा है न्यूज एंड अपडेट वाला सेक्शन, यहाँ पे नीचे थोड़ा स्क्रॉल होने दीजिए। यहाँ पे आपको एक यहाँ पे 27 मार्च का जो नोटिस आप देख रहे हैं रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव इन इंजीनियरिंग एंड जियो साइंसेज, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसका ऑनलाइन अप्लाई भी 5 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट ऑफ GTS इन इंजीनियरिंग एंड जियो साइंसेज डिसिप्लिन एट E1 लेवल। ठीक है, तो लेवल E1 के तहत वैकेंसी है गेट 2019। एडवर्टीजमेंट नंबर इसका यहाँ पे लिखा हुआ है 03/2019। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में नोटिफिकेशन है नीचे और ऊपर में इंग्लिश में नोटिफिकेशन है। किसी एक नोटिफिकेशन को हम लोग भी डाउनलोड कर लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ठीक है, हिंदी वाले नोटिफिकेशन पे हम लोग चलते हैं और वहाँ पे समझ लेते हैं, जो कि मैंने पहले से ही डाउनलोड करके यहाँ पे रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि गेट 2019 के माध्यम से E1 स्तर पर यानी लेवल 1 के स्तर पर इंजीनियरिंग और जियो साइंसेज डिसिप्लिन में ग्रेजुएट प्रशिक्षकों की भर्ती है, यानी GTS जो लिखा हुआ था उसमें यानी ग्रेजुएट ट्रेनीज जो है उनके पदों पर ये वैकेंसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो पोस्ट है, यहाँ पे स्क्रोल डाउन करते हुए हम आते हैं नीचे तो यहाँ पे 17 टाइप के टोटल पोस्ट है यहाँ पे, और टोटल पोस्ट यहाँ पे 785 है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे ऊपर में जाइएगा तो मैं आपको बतला देना हूँ, आपको एक काम करना पड़ेगा कि सभी जो पोस्ट को हम बतलाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी टाइप का पोस्ट दिया गया है। फर्स्ट नंबर पर सीरियल नंबर दिया गया है, सेकंड कॉलम में पद और भूमिका दिया गया है यानी आपका जो पद का नाम है वो दिया गया है, और यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है थर्ड नंबर कॉलम में। फोर्थ नंबर कॉलम में जो गेट एग्जामिनेशन का अगर विषय जो आप क्वालिफाई किए हैं वो दिया गया है कि आपका एग्जामिनेशन का विषय क्या होना चाहिए। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिया गया है फिफ्थ कॉलम में, और यहाँ पे दिव्यांगों के लिए यहाँ पे चिन्ह दिया गया है, और यहाँ पर दिव्यांगों के लिए आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो आपको काम करना है जिस भी एग्जामिनेशन यानी गेट एग्जाम जिस भी सब्जेक्ट से आप क्वालिफाई कर लिए हैं आप देख लीजिए किस पद के लिए आप एलिजिबल हैं। मैक्सिमम आप 4 पद के लिए आप अगर एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक कैंडिडेट मैक्सिमम 4 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, मैंने इस नोटिफिकेशन में पढ़ा है, होगा आगे चलेंगे तो डिस्कस भी कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपको देखना है, मान लीजिए AE सीमेंटिंग मैकेनिकल के लिए अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको न्यूनतम 60% अंकों के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। और यहाँ पे गेट का जो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग ME का सब्जेक्ट आपको होना चाहिए। इसमें टोटल पोस्ट यहाँ पे 10 है और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट भी दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही सभी पोस्ट के लिए आपको देख लेना है कि किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। मैक्सिमम 4 पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एज दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जो एज काउंट होगा 1 जनवरी 2019 को काउंट होगा। यहाँ पे जनरल या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का दिया है, मैक्सिमम 30 वर्ष चाहिए जो कि आपको AE को छोड़कर है। ठीक है, जो AE वाले ड्रिलिंग और सीमेंटिंग के लिए उनके लिए 28 वर्ष है मैक्सिमम एज, और यहाँ पे OBC नॉन क्रिमिलियर के लिए 33 वर्ष है और AE वाले को 31 वर्ष है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम एज है, आपको 1/1/2019 को काउंट होगा यानी 1 जनवरी 2019 को काउंट होगा, तो आप काउंट करके देख लीजिएगा। यहाँ पे थर्ड नंबर में चयन का प्रक्रिया लिखा हुआ है यानी आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस गेट 2019 के एग्जाम के जो आपका स्कोर आया है उसके बेसिस पर होगा, और आपका इंटरव्यू में 15 मार्क्स का रहेगा और जो गेट एग्जामिनेशन है उसके 60 नंबर का। ठीक है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से आपको 25 नंबर का। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स का आपका रहेगा, इंटरव्यू से 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा यानी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उससे 25 नंबर का, और गेट 2019 के जो स्कोर है उनसे 60 नंबर मैक्सिमम मार्क्स रहेगा यानी टोटल 100 नंबर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। कितना नंबर आते हैं उसके अगर कट ऑफ निकलेगा तो उसमें आप सिलेक्ट हो जाइएगा। ठीक है, अगर कट ऑफ के अनुसार होगा 100 नंबर में जितना ज्यादा रहेगा आपका मार्क्स उतना बढ़िया है आपके लिए। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन फी है आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए कितना फी है वो दिया गया है।
यहाँ पे सामान्य ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ठीक है, ओबीसी और जनरल के लिए और पूरे सैनिक के लिए यहाँ पे 370 रुपए फी है, और एससी एसटी और दिव्यांग जन के लिए कोई भी यहाँ पे फी नहीं लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आइएगा तो महत्वपूर्ण तिथियां दिया गया है आपको, 5 अप्रैल 2019 से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2019 है, ठीक है। और शॉर्टलिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की स्कैन की गई प्रतियों को अपलोड करने तथा इंटरव्यू कॉल लेटर को डाउनलोड करने की अवधि 5 मई 2019 से 20 मई 2019 के संभावित है, यानी टेंटेटिव है, ठीक है। और साक्षात्कार का आरंभ इंटरव्यू जो अब होगा आपको 10 जून 2019 से टेंटेटिव डेट है, यानी उस समय हो सकता है 10 जून 2019 को। यहाँ पे फेरबदल भी हो सकता है क्योंकि ये संभावित डेट है, जैसा वहाँ का सिचुएशन रहेगा उसके हिसाब से होगा, पहले आपको नोटिस किया जाएगा जो भी वहाँ पे होगा, ठीक है। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपको किसी भी मतलब योग्यता से संबंधित आपका जो है योग्यता है उससे संबंधित आप पूरी जानकारी प्राप्त कर ले पाले कि आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। अगर आप योग्यता संबंधित आप किसी भी प्रकार का जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको कहीं भी बताया नहीं जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि जो प्राय पूछे जाने वाले प्रश्न है, अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, फ्रीक्वेंटली एंड आस्क क्वेश्चन जो होता है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है फ्रीक्वेंटली एंड आस्क क्वेश्चन, ठीक है। तो इस पेज का लिंक यानी अप्लाई करने का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और यहीं से आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं एक क्लिक में, जो भी पीडीएफ आपको डाउनलोड करना होगा आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट इसी पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो करना हो आप कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करना हो यानी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना हो कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन अप्लाई करना हो कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं टोटल डेट भी दिया गया है, 5 अप्रैल से स्टार्ट है और 25 अप्रैल लास्ट डेट है यहाँ पे। और फ्रेंड्स आपको एक बात मैं बताना भूल गया, यहाँ पे जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे वहाँ पे आपको भारत या फिर विदेश में भी आपका ज्वाइनिंग हो सकता है, ठीक है। तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया मौका है, या तो आप विदेश में भी ज्वाइनिंग हो सकता है आपका, या फिर इंडिया में भी आपका ज्वाइनिंग हो सकता है, ठीक है। ऑल जो एएनजीसी है आपके लिए बहुत बढ़िया सुनहरा मौका लेकर आया है। अगर आप भी गेट एग्जामिनेशन 2019 क्वालिफाई कर लिए हैं और अगर इस पोस्ट को भरने के लिए आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप बेशक अप्लाई कर सकते हैं। और इस पोस्ट रिगार्डिंग जो ऑफिशियल जानकारी था और जो इंपॉर्टेंट डेट्स था उसे मैंने आपको डिस्कशन कर दिया है, अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। फ्रेंड्स अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि पल पल का अपडेट आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।